तो वेलकम यार स्वागत है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वीडियो सीरीज़ के एपिसोड नंबर फोर में यहाँ पे आप देखने वाले हैं मोस्टली क्लास टेन साइंस चैप्टर नंबर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन <coughs> यहाँ पर मैंने चूज़ किया है पाँच डिफरेंट के स्टडी अलग अलग जो कि आपके डिफ़िकल्टीज लेवल के अकॉर्डिंग है कुछ बहुत ज़्यादा इजी होंगे और कुछ थोड़े टफ होंगे आपके कंपटीशन बेस्ड एग्जाम के ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास टेन सी बी एस ई बोर्ड के लिए खास करके है बिकॉज सी बी एस ई बोर्ड के अंदर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं केस स्टडी के तो यार पहला केस स्टडी दे रखा है आपको कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन ईच अदर इन अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दे आर कॉल्ड आइसोमर्स और फिर दे रखा है आपको कि द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म इस फेनोमिना को आप क्या बोलते हो आइसोमेरिज्म व्हेन द आइसोमर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम मॉलिक्यूल विच विदाउट द रेफरेंस ऑफ टू स्पेस द फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब स्ट्रक्चर उन दोनों की डिफरेंट होती है तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर आइसोम डिफरेंट कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर आपको अलग है डिफर इन ऑर्डर डिफर इन एटम लिंक्ड दीज कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एटम्स कैन भी लिंक टुगेदर इन अ फॉर्म स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग इवन रिंग्स तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है इवन रिंग के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रह सकता है तो पहले के स्टडी के ऊपर में पहला क्वेश्चन आपका जो निकल के आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा इसमें आ, ऑल ऑफ दिस ये सबके केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर के हैं आइसोमर के एग्जाम्पल हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्रांचिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव मिनिमम है form, branching minimum, ना अगर ब्रांचिंग बनाना है तो उसके पास मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए तो मिनिमम आपके चार कार्बन तो होने ही चाहिए अगर उसकी ब्रांचिंग बनानी है तो ठीक है नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिक पेयर इसमें से कौन सा है जो आइसोमेरिक पेयर है यानी इन दोनों में से इस सारे के सारे ऑप्शन में से कौन से ऐसे कंपाउंड्स से जिनके आइसोमर्स बनते हैं तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा फिर आपको पता चल जाएगा किसका आइसोमर्स बनता है और किसका नहीं तो राइट आंसर है इसका ब्यूटेन एंड टू मिथाइल प्रोपेन के ये ब्यूटेन और टू मिथाइल प्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं अमोंग द फॉलोइंग वन हैविंग लॉन्गेस्ट चेन इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका लॉन्गेस्ट चेन है तो आपको इस सबका अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे फिर आपको पता चल जाएगा किसका लॉन्गेस्ट चेन है लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा इसमें टू मिथाइल पेंटेन का टू मिथाइल पेंटेन का जो है इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगा ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ द पेंटेन ईज पेंटेन कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होते हैं और एक बात बता दो पेंटेन के आइसोमर आप पहले से भी करके जाना क्योंकि ये बोर्ड के लिए आयम्पिक क्वेश्चन है इस बार के तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी पेंटेन के टोटल तीन आइसोमर्स होते हैं केस टू के अंदर में दे रखा है फूड क्लोथ्स मेडिसिन बुक्स और मैनी थिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ द कार्बन इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी बट बोट डायमंड ग्रेफाइड फॉर्म द कार्बन एटम्स डिफरेंट इन अ मैनर कार्बन आइटम आर बॉन्डेड टू अदर कार्बन यूनिक एबिलिटी ऑफ द बोन इस प्रोसेस जो होता है जो कि कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है इसको बोला जाता है आपके कैटनेशन ठीक है पहला क्वेश्चन जो दे रखा है फॉर्म द गि अल्टरनेटिव हुस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सेम इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है ठीक है तो राइट right आंसर हो जाएगा डी मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बिकॉज़ ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हैं दैट्स वाई सेकेंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है तो पहला है ग्रेफाइट इज मच लेस डेंस देन द डायमंड ग्रेफाइट इज ब्लैक एंड सॉफ्ट ग्रेफाइट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट फील्स स्मूथ एंड slippery. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है Graphite is इज मच लेस डेंस देन द डायमंड ये करेक्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट वन की which ऑफ the फॉलोइंग आर आइसोमर इसमें से कौन से आइसोमर हैं तो आइसोमर के क्वेश्चन कई सारे आ रहे हैं तो मैं एक बता बता देता हूँ आपको आइसोमर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप ठीक है द ऑप्शन इज डी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ठीक है नाउ द फोर्थ वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉपिक ऑफ़ कार्बन एलोट्रॉफ कार्बन के तीन होते हैं डायमंड ग्रेफाइट और फुल रेंट तो इसमें से कौन सा है जो कि डायमंड का एलोट्रॉप कार्बन uh, का एलोट्रॉप नहीं है ऑप्शन आ जाएगा इसका कार्बो uh, रुडनम है ना तो ये जो है आपका वो एलोट्रॉप नहीं है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला सी फाइव एच ट्वेल्व इट हैज़ डेस्केंट बॉन्ड तो इसमें से कितने कोविलेंट बॉन्ड होते हैं आपको ये बताना है तो पेंटेन के अंदर में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड सी यानी कि सिक्सटीन कोविलेंट बॉन्ड होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट केस स्टडी है आपका केस नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द एनी फोर क्वेश्चन तो इसमें से चार क्वेश्चन का आपको आंसर करना है हाइड्रोकार्बन पी हेज मोलिकुलर फॉर्मूला सी टेन एच ट्वेंटी टू हाइड्रोकार्बन क्यू हैज़ टू कार्बन लेस देन द दी तो यानी जो पी है आपका उसके अंदर में टोटल कार्बन कितने होंगे तो एट इसके बाद में बिलो द होमोलिगस हाइड्रोजन आर हैज द मोर देन पी मोर पी के पास में दस है तो आर के पास में वन और टू ट्वेल्व होंगे पहला पूछ रखा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द क्यू तो मोलिकुलर फॉर्मूला आठ कार्बन है तो एट टू जा सिक्सटीन प्लस टू हो जाता है तो इसमें आ जाएगा सी एट एट एटीन तो राइट ऑप्शन सी है विच होम सीरीज डू द कंपाउंड पी क्यू आर बिलोंग तो सी एन एस टू एन अल्केन के ही आता है तो सी एन एस टू एन प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है थर्ड में भी दे रखा है कि वट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ़ द आर मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द आर के लिए मैंने बता रखा था बारह कार्बन बारह मल्टीप्लाई विथ टू हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर है ना और प्लस टू कर देना है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो टोटल ट्वेंटी सिक्स हाइड्रोजन किस में है देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड पी क्यू आर पी क्यू आर के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पी क्यू आर का करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है यहाँ पे ठीक है कि दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड पी क्यू आर आर कौन से ग्रुप के कंपाउंड्स है तो आपको ये बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अल सीरीज के कंपाउंड है बिकॉज सी एन एस टू एन उसी का फॉर्मूला होता है सी एन एस टू एन प्लस टू केस नंबर फोर में दे रखा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द एनी फोर क्वेश्चन अगेन विच ऑफ दी विच होमोलगस सीरीज डस दिस मोलिक्यूल बिलोंग ये मोलिक्यूल जो है आपका वो कौन से होमोलगस सीरीज से बिलोंग करता है तो एक बात बता दो यहाँ पे ओ OH एच है तो इसका मतलब ये अल्कोहल से बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वॉट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर दिस होमोलोग सीरीज इस होमोलोगे सीरीज के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा तो ये होमोलोग सीरीज का जनरल फार्मूला होगा आपका ये सी एन एस टू एन प्लस वन प्लस ओ एच यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगता है इसलिए प्लस वन है ठीक है विच इज़ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो कौन सा होगा तो ये यहाँ पर काउंट कर लो टोटल कार्बन कितने हैं चार यानी पाँच कार्बन वाला नेक्स्ट मेंबर होगा यहाँ पे पाँच कार्बन वाला यही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट विच इज़ द थर्ड मेम्बर ऑफ दिस सीरीज थर्ड मेबर ऑफ दिस सीरीज तो ये तो चार मेंबर है चौथा वाला थर्ड मेम्बर में तीन कार्बन होते हैं तो तीन कार्बन मतलब ये ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है विच इज़ द सेकेंड मेम्बर ऑफ दिस सीरीज सेकेंड कार्बन सेकेंड मेंबर मतलब दो कार्बन दो कार्बन के लिए ईथ आता है तो इथेनॉल जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ठीक है नाउ दो क्वेश्चन नंबर फाइव केस नंबर फाइव के अंदर में दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग एन आंसर एनी फोर क्वेश्चन टू इलेक्ट्रोक फॉर्म द ऑफ द कार्बन विच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर आर डायमंड एंड ग्रेफाइट दे डिफर फिजिकल बट केमिकली आर दे आर सेम डायमंड इज द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन इन डायमंडच कार्बन इज लिंक विद द फोर अनादर कार्बन एंड कोवेल एंड बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट इच कार्बन लिंक विद्री अदर कार्बन ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड ग्रेसी द ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिस सी बोन इन द ग्रेफाइट इज वन फोर वन पिकोमीटर एंड डायमंड के अंदर में वन फिफ्टी फोर पिकोमीटर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो दे रखा है यहाँ पर ग्रेफाइट इज अ राइट आंसर ओके सेकंड बोल रखा है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज तो ग्रेफाइट गुड कंडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए बिकॉज इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन सोने तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड तो डायमंड के अंदर में कोवेल एंड बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऊपर में दे रखा है ये भी ये रहा कि डायमंड के अंदर में कोविल बॉन्ड होता है डायमंड इज़ नॉट ए गुड कन्नर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड गुड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिकॉज उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एक कार्बन चार कार्बन के साथ जुड़े होने चाहिए यही वाला स्ट्रक्चर सही है बिकॉज इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ये दो अलग अलग एटम है ठीक है तो कार्बन के अंदर में तो डायमंड के अंदर में तो सिर्फ कार्बन होता है यानी एक ही टाइप का एलिमेंट है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर ठीक है हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड नंबर फाइव में जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर फाइव पीरियडिक टेबल के के स्टडी क्वेश्चन तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो